आपको 12th का बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से OCM के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर निकाल के लाया हूँ। तो आप लोग अपने पास एक टेक्स्ट बुक रखिए और साथ में एक नोटबुक रखिए, जिससे क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिए और टिक मार्क करते हुए चलिए। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस चैनल पर यदि आप लोग ने पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड, और यदि कुछ डाउट रहे तो कमेंट करके मुझे बताना। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। चलो स्टार्ट करते फ्रेंड। फर्स्ट चैप्टर के अंदर कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, 99% चांस आने के लिए, वो आपका है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको हेनरी फॉयल के जो प्रिंसिपल है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपको फर्स्ट चैप्टर से दो क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। यदि हम लोग बात करते हैं सेकेंड चैप्टर से, तो सेकेंड चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस आपको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन सब, मतलब सब में सबका जो इंपॉर्टेंस है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट कन्फर्म एग्जाम में आता है। तो इसके लिए आप लोग एक कॉमन पॉइंट्स भी बना सकते हो, क्योंकि इसका जो कॉमन पॉइंट्स होता है और वो पॉइंट आप हर एक में लिख सकते हो। इसके जो आपके टोटल यहाँ पे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन ये जो दिया है ना, इसमें सेम पॉइंट सब में चलता है। तो आप एक क्या करना है, आपको एक ही क्वेश्चन का पॉइंट बनाना है और हर एक क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा उसमें आप लिख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कन्फर्म इसमें से एक एग्जाम में आएगा। सेकेंड डिस्टिंग्विश आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग, एक डिस्टिंग्विश इसमें से हर एक एग्जाम में आता है। तो मतलब इस चैप्टर से आपके दो क्वेश्चन मिलने वाले, हर एक कंडीशन में मिनिमम दो, मैक्सिमम आपके तीन क्वेश्चन भी यहाँ पे हो सकते हैं। इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट जो थर्ड चैप्टर है, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चा, क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेनर क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरप्रेनरशिप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ चैप्टर काफ़ी बड़ा है और ज़्यादा मार्क्स का एग्जाम में भी आता है। सेकेंड चैप्टर भी आपका ज़्यादा एग्जाम में उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो यदि आपको वेटेज नहीं पता रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, वो भी मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। चलो यहाँ पे देखते हैं बच्चा, बिजनेस के यहाँ पे मीनिंग एंड फीचर्स क्या है, यहाँ पे मीनिंग ऑफ सर्विस और फीचर्स ऑफ सर्विस क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस क्या है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बैंक क्या होता है, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक क्या है, फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, एक्सप्लेन मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, एक्सप्लेन रेल ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउस क्या है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में और लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, ये सब के बीच में जो डिस्टिंग्विश है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट।